अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग पे है। कुछ मैंने सेंटेंस स्टोरी से परफ्यूम मंगवाए हुए थे। आजकल इनकी बड़ी हाई वाइब जा रही है, हर बंदा इनसे ऑर्डर कर रहा है। इनकी प्रोफाइल पे चले जाएँ तो आपको 500-600 कमेंट्स मिलेंगे इनकी तारीफ़ में कि यार ये बिल्कुल इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जैसी सेंट्स हैं। अब इनका आवाम को ये बेवकूफ़ बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि यार किसी अच्छे ब्रांड के परफ्यूम्स आप लॉन्च करें बड़े ही कम प्राइस में, मतलब कि 1200-1300-1400 की रेंज में। ये आपको क्रीड एवेंटस जैसे आपको ये परफ्यूम दे रहे हैं, सवाज डियर है उसका, इन्होंने ये सेंट बनाया हुआ है, उसके बाद इसी में या किया इनका बनाया हुआ है। तो मेरे ये ख़त्म हो चुके थे, मेरे पास ये पड़े हुए हैं, ये क्रीड एवेंटस है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। इसकी ओरिजिनल की तो क्या ही बात है, ये 75,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस है। अगर आप बाहर से किसी से मंगवाते हैं यहाँ पे तो बाज़ औक़ात पाकिस्तान में तो चीज़ मिलती नहीं है, मिलती भी है तो फेक ही आती है। ये ओरिजिनल इसका सेंट है क्रीड एवेंटस का, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। उसके बाद ये सवाज डियर है, ये भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखें। उसके बाद इसी में आती है, ये तो समर्स के लिए बेस्ट डिओड्रेंट है। ये 15 से 16 हज़ार की रेंज में ये आपको मिल जाता है, लेकिन अब डॉलर की प्राइस काफ़ी हाई तो ये तो ये भी महंगा हो गया होगा। तो ये तीन मेरे पास प्रोडक्ट्स थी जो इनकी वर्थ बनती है 1,20,000-30,000 के, ये तीन परफ्यूम्स बनते हैं। तो अगर मैं सेंट एंड स्टोरीज की वहाँ पे प्रोफाइल पे गया तो उन्होंने इसके सेंट्स निकाले हुए थे 50 ml बोतल में। ये जो है ये 100 ml की हैं और इन्होंने 50 ml की निकाली हुई थी। तो मैंने कहा सोचा चलो ये इतने महंगे, मैं अभी 1-1.5 लाख के परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलो ये 1400-1500 की रेंज में अगर आते हैं तो इनका कंपेयर मैं करता हूँ ओरिजिनल के साथ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि ये वाकई ओरिजिनल प्रोडक्ट का मुकाबला करते हैं, इनकी स्मेल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जैसी है या नहीं। अब बहुत से लोग यहाँ पे मिडिल क्लास लेवल के हैं जो इतने महंगे परफ्यूम अफोर्ड नहीं करते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नाम सुने हुए हैं, उनको इनकी स्मेल का बिल्कुल नहीं पता है। अब मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ, इतना मैं हाई फाई तो हूँ नहीं, तो बिल्कुल ये परफ्यूम मैंने ट्राई किए थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के पैसे बचें, अगर इनकी फ्रेगनेंस अच्छी है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा। 5 से 6 दिन लगे हैं इनकी डिलीवरी आने में। ये इतना घटिया सा बॉक्स, इधर लिखा हुआ है सेंटेंस स्टोरीज, ये बॉक्स पे इन्होंने पैकिंग भेजी है। उसके बाद अंदर से ये बबल रैपर्स में इन्होंने ये बनाए हुए थे। ये इस तरह इनके ये परफ्यूम्स निकले हैं। इसमें स्मैश माई हेड है, 22 होल्ड है, और नियर यू है, और जनून है। ये सारे ये 6 परफ्यूम्स हैं, इनकी आपके साथ अनबॉक्सिंग करता हूँ। वीडियो यार लंबी होगी, इसका फ़ायदा आप लोगों को या मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मैंने तो ये मंगवा लिए हुए हैं। तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि ये वाकई इनकी ओरिजिनल सेंट के साथ स्मेल फ्रेगनेंस जो है वो मिलती जुलती है कि नहीं मिलती। तो पहले ये वाली अनबॉक्सिंग करते हैं। दो दो साल की इन्होंने एक्सपायरी दी हुई है कि 2 साल में हमारा सेंट एक्सपायर हो जाता है। वैसे भी गर्मी है, पसीना मुझे भी आ रहा है, एसी में तो मैं बैठा नहीं हुआ, तो माजरत के साथ। आज ये पहना भी हुई, शलवार कमीज पहनी हुई है, तो कमेंट में बताइए कैसी लग रही है। परफ्यूम सबकी फेवरेट होते हैं, मेरे कुछ ज़्यादा ही हैं, मैं ज़रा काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे ये जो तीन ये जो मैंने आपको परफ्यूम दिखाई है मेरे फेवरेट हैं। तो फिर जब ये किसी बंदे की चीज़ फेवरेट उसको नज़र आए तो वो फिर ऑर्डर किए बगैर रहता नहीं। मेरी स्मैश माई हेड, अब वाकई ये स्मैश माई हेड करता है या नहीं, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है या नहीं है। बहुत ही एवरेज सी इसकी पैकिंग है, गत्ता बड़ा ही फजूल किस्म का लगाया हुआ है। ये इन्होंने टेस्टर अंदर दिया हुआ है कि आप इसके साथ, ये पता नहीं 1 ml है क्या है, इसको बाद में ट्राई करेंगे। ये इसके साथ एक टेस्ट निकला है। ऐसे तो कोई स्मेल का अभी पता नहीं चल रहा।
अब यो जो स्मैश में हेड है, ये इन्होंने क्रीड एवेंटस से, इन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल क्रीड एवेंटस की ओरिजिनल प्रोडक्ट जैसी इसकी स्मेल है। अब यार स्मेल है या फ्रेगनेंस है ये आप छोड़ दे, फ्रेगनेंस कहते हैं स्मेल कहते हैं, मैं दोनों ही कहता हूँ। अब ये ज़रा ओरिजिनल क्रीड भी लगा के देखते हैं। इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल डिफरेंट है। ओरिजिनल क्रीड एवेंटस और ये स्मैश माई हेड, जो ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्रीड एवेंटस की एक सेंट है, ये कॉपी है। इसकी फ्रेगनेंस ऐसे लगता है कि बंदा बार बार ही इसको ही स्मेल करता रहे, क्या बात है। और ये बिल्कुल लाइट सी है, इतनी इसकी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही। तो पहली प्रोडक्ट तो ये हो गई जी, स्मैश माई हेड। स्मैश तो हुआ कुछ नहीं, क्रीड एवेंटस के साथ स्मैश माई हेड। उसके बाद है कैश 22 है, वो सी एवरेज सीजन की बॉटल्स है, इतनी खास नहीं है यार, प्रीमियम क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, बड़ी वाइब इनकी हुई है यार, ऐसे फ्रेगनेंस है क्या बात है। ये वो कमेंट पढ़ पढ़ के मैं तो हैरान था कि यार वाकई कोई इस तरह की चीज़ें हैं, ये इतनी सस्ती चीज़ में एक 75,000 वाली प्रोडक्ट को ये 1,500 की प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, वर्थ इट है कि नहीं। इसकी भी काफ़ी अच्छी स्मेल है, इतनी बुरी स्मेल नहीं है यार। अब ये स्मेल हो रही है, फ्रेगनेंस हो रही है, बाय द वे इसकी भी अच्छी फ्रेगनेंस है, इतनी बुरी फ्रेगनेंस नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, ये लियर सुवाज के साथ इसका मुकाबला ना, ये आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज़ करें और आप इनकी ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बड़ा से डिफरेंट है बिल्कुल। ये वो कहते हैं ना पब्लिसिटी करने के स्टंट्स हैं, वो बड़े बड़े ब्लॉगर्स को आपने ये दिए हुए हैं सेंस के, यार आप ट्राई करके यार। मैं क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होती है उसकी तारीफ़ ही करता हूँ, अगर वो सेम होती तो मैं बिल्कुल कहता कि यार हाँ सेम है, लेकिन 15 से 20% इसका डिफरेंस है प्रोडक्ट्स का। अब ये है जी टॉपिंग पॉइंट, इसकी भी स्मेल अच्छी है। अब स्मेल है या फ्रेगनेंस है ये आप पे डिपेंड करता है, आपने क्या कहना है। तो इसकी भी फ्रेगनेंस एवरेज है। ये तीन तो अनबॉक्सिंग हो चुकी हैं, अभी तक मुझे कोई ऐसा परफ्यूम इनमें नहीं लगा कि जो बिल्कुल ओरिजिनल का मुकाबला करता हो। तो अगर हाँ आपका बजट एवरेज है, 1500 से 1600 की रेंज में आप कोई सेंट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, 5 से 6 घंटे आपके निकाल लेंगे। लेकिन आप ये दावा करना बंद कर दें कि यार ये वाकई सुवास जी और इसी में या कि क्रीड एवेंटस इसका मुकाबला करते हैं, तो आवाम को पागल बनाना बंद करें। ये बिल्कुल मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट का रिव्यू है, तो मुझे आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो बना लूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये इन माई ड्रीम्स, ये नियर यू, ये इनकी टॉप नॉच जो प्रोडक्ट्स थी ना, वो मैंने बेस्ट सेलिंग पे जो जा रही थी, हम बिल्कुल ये जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी, ये मैंने वो 6 प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं।
जिनकी हाइप बहुत ज़्यादा थी कि यार ये इन जैसे परफ्यूम सेंट कोई और कंपनी बना ही नहीं रही। अब जे डॉट के परफ्यूम्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जरार अच्छा है, उसके बाद जनान अच्छा है, वो मैंने यूज़ किए हुए, काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है उनकी। इसके साथ ही इन्होंने ये दिया हुआ है, छोटा सा टेस्टर दिया हुआ है, पता नहीं कितने एमएल का, ये अंदर ही जाएगा। बॉटल्स बिल्कुल एक जैसी हैं, सेम सेम। अब मेरे पास कॉफ़ी नहीं पड़ी हुई, उससे ज़रा सेंट की स्मेल करने की ज़रा फ्रेगनेंस जब आप लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रेगनेंसी जब इकट्ठे हो जाए तो फिर एक दूसरे की समझ नहीं लगती कि कौन सा आप टेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन में तो इसकी जुनून की बिल्कुल अच्छी फ्रेगनेंस नहीं है। अगर ये टाइम के साथ लाइट होता जाए तो शायद फिर कह सकते हैं कि ये कुछ इसकी बाद में अच्छी फ्रेगनेंस आ सकती है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह वो नहीं दवाई होती ब्रूफन सिरप, अभी तो उस तरह का ये दे रहा है, जुनून फारग है। उसके बाद नियर यू है, जिनको दिए होते हैं ना पेड प्रमोशन, वो तो परफ्यूमों की तरीफे कर करके भाई ऐसा है ऐसा है, ये लाजमी लें, कंपनी को ही फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे कोई ये कोलेब्रेशन नहीं मिली हुई ना, ये मैं कोई पेड इनका प्रमोशन कर रहा हूँ, तो आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल रिव्यू दे रहा हूँ, तो वीडियो लंबी होती जा रही है, आपको ही फ़ायदा होना है, आपके पैसे बचने हैं। जब आपने ये परफ्यूम अगर आप बाई करते हैं बाद में तो आपको फैसला लेने में ज़रा आसानी होगी कि यार कौन सा परफ्यूम मंगवाएं। ये अच्छा जुनून से, ये अच्छा है नियर यू, इसकी फ्रेगनेंस अच्छी है। लो जी अब हमारा लास्ट परफ्यूम रह गया इन माय ड्रीम्स, देखते हैं आज ख्वाबों में कौन आता है। इसका भी साथ छोटा टेस्टर है, फिल्ड विद लव लिखा हुआ है अंदर इन्होंने। मैंने पहले भी की तीन चार प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं ऑनलाइन, लेकिन सेंट्स मैंने पहली दफ़ा ऑनलाइन मंगवाए हैं। ये तो 7 से 8 हज़ार 200 या 300 रुपये इनका बिल बना था। दिस इज़ द गुड वन इन माई ड्रीम्स, लाइट्स का स्प्रे करेंगे। इसकी फ्रेगनेंस भी ठीक है। सो दी एंड ऑफ द पॉइंट ये है कि यार ये जो बिल्कुल ये इनका कहना है ना कि बिल्कुल ओरिजिनल सेंट्स की तरह हमारी फ्रेगनेंसेज हैं, वो बिल्कुल फेक स्टेट्समेंट्स हैं। मैंने ये ओरिजिनल के साथ बिल्कुल कंपेयर करके आपको बताया है कि यार ओरिजिनल और इनमें काफ़ी डिफरेंस है। बाकी जो इनकी काफ़ी हाइप चल रही थी, स्मैश माई हेड, कैच 22, टिपिक पॉइंट और नियर यू, इन माई ड्रीम्स, इनकी ठीक है, लेकिन जुनून वो बिल्कुल ही, मुझे उसकी स्मेल जो बिल्कुल ही फजूल लगी है, बिल्कुल ही अच्छी फ्रेगनेंस नहीं थी उसकी। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, इससे मेरी हौसला हौसला अफजाई होगी। तो खुशी की इतनी इंतहा है कि यार मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो लफ्ज़ वगैरह इस तरह अड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं कौन सा यहाँ पे स्क्रिप्टेड पढ़ के तो यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, अगर आपको किसी और प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, मैं वो प्रोडक्ट भी परचेज़ करके उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें ताकि किसी के पैसे ज़ाया होने से बच सकें और उसको पता चल सके यार कि अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट मैंने लेनी है या ये सेंट्स यूज़ करने हैं। अगर आपने आम रूटीन में यूज़ करने हैं तो फिर तो ठीक है, एक दो सेंट्स आप लेके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मेरे था कि यार ये ओरिजिनल की तरह करेंगे, उस तरह की बिल्कुल वाइब नहीं है। तो लाल रंग का बटन है, सांड बन जाओ और तोड़ दो। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और लाइक करें वीडियो को। टिल देन पीस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।